जय हिंद, वंदे मातरम। और आज खुशी के मारे हमसे रहा नहीं जा रहा है, आपसे भी शायद नहीं रहा जा रहा होगा। और देर से आए हैं क्योंकि एक तो पेट पूजा करनी थी, ऊपर से मिठाई खानी थी। बहुत बच्चे मिठाई लेके आए थे कि सर जो पढ़ाया वही आया पेपर में। और हो भी क्यों ना, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाया है हमने वही आया है। आपने मेहनत की है, आपकी सच्ची लगन है, सच्ची श्रद्धा है, आपके माता पिता का संघर्ष, आपका संघर्ष, बहुत दिनों के बाद ये दिन आया है। आपका पेपर कैसा हुआ, कुछ क्वेश्चनों पर तो चर्चा करेंगे ही बाद में, लेकिन ये सब बताएं पहले कि आपका पेपर कैसा हुआ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर कैसा आया, कैसा सबका पेपर हुआ, क्या नई चीजें सीखने को मिली, अपने राम राम भाई सभी को, एकदम बढ़िया। पीके कुमार भाई एक बार शेयर कर दीजिए। और कल किन किन का पेपर है ये भी एक बार बता देंगे, कुछ गाइडेंस हैं जो आपको लेनी सही रहेंगी। एक बार बता दीजिए, सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम। ये बताएं कि आज का जो पेपर था आपका, कुछ का फर्स्ट मीटिंग में होगा, कुछ का सेकंड मीटिंग में होगा, तो देखिए ना तो पेपर हार्ड होता ना पेपर आसान होता, देखने का एक नज़रिया है। जो प्रश्न हमें आते हैं वो प्रश्न को जब हम करते हैं तो पेपर आसान लगता है, और जो प्रश्न नहीं आ रहे होते हैं या कई बार डाउट में होते हैं अगर उन्हें करते हैं तो पेपर मुश्किल लगता है ना सभी। तो विकास भाई जय हिंद, वंदे मातरम। पेपर कैसा हुआ सभी का, और बड़े सामान्य सामान्य प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सामान्य प्रश्न आ रहे हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, कुछ प्रश्न भी हल करते हैं साथ साथ। निम्न में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए ये प्रश्न हो सकता है कि आपने इसलिए गलत कर दिया हो कि क्या संविधान दिवस 15 अगस्त भी दे रखा है, 26 जनवरी भी और 26 नवंबर भी। अगर तुक्का लगाएंगे तो इन पर हम लगा सकते हैं, जबकि ये गलत है, आप भी जानते हैं। एक है 26 नवंबर, संविधान दिवस हम 26 नवंबर के दिन से मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ और आत्म अर्पित कह सकते हैं आप उसे, या आत्मसमर्पित कह सकते हैं आप उसे। तो इसलिए हम संविधान दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 26 नवंबर के दिन। जय हिंद, वंदे मातरम भाई। कैसा सभी का पेपर हुआ, कल किन का पेपर है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह वाली मीटिंग से शाम वाला पेपर ज़्यादा आसान था। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि दोनों मीटिंग के पेपर काफ़ी हार्ड थे। आपका क्या कहना है, क्या मेरिट जानी चाहिए, अपने आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखें जरा, कि कितने आपने क्वेश्चन सही करे हैं। 150
में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं? चलिए ठीक है, निम्न में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो देखिए दूध में और यीस्ट में, जिसे चीज कहते हैं आप, चीज में और मट्ठे में भी, दही में, इनमें होता है लैक्टिक एसिड। तो दही विकल्प में है तो आंसर दही आ जाएगा इसका, दही। क्या मेरिट जा रही है बताना इसके बारे में सभी? पूजा सागर जी, अच्छा कल पूजा जी आपका भी पेपर है, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा बहुत नॉर्मल पेपर, देखिए तैयारी करते हैं, आपकी बहुत मेहनत है, आपने बहुत मेहनत करी है सभी ने। मैं जानता हूं कई बार आप रो भी जाते हैं, आंसू भी आ जाते हैं, और लड़के लड़कियां सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ते हैं आप लोग। ऐसे ऐसे प्रश्न आप जो मुश्किल होते थे, आप ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत आसान प्रश्न आया, आपकी सबकी मेहनत सफल होगी 100%। ठीक है, अरे बताइए भाई, विकास भाई बताइए, जरूर बताइए कितने क्वेश्चन, मुझे पता है 120 130 प्लस जा रहे हैं आपके नंबर, आपके नंबर इतने जा रहे हैं मुझे पता है। गोदान निम्न में से, गोदान से क्वेश्चन पूछा गया है, गोदान निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अब शायद ऐसा ही कोई बच्चा हो जिसे गोदान के बारे में ना पता हो, गोदान कफन है ना, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। आधुनिक भारत में ये द्विवेदी और के उपरांत छायावाद के आसपास मिल जाएंगे आपको मुंशी जी। बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात ये है कि जिस चीज से डर था, वो डर क्या था कि जीएस बहुत हार्ड ना हो, हिंदी में साहित्य ना हो, तो आपका डर निकल गया, सर साहित्य हार्ड नहीं आ रहा है, साहित्य हार्ड नहीं आ रहा है, कौन सा हार्ड आ रहा है, कौन सा आपको बहुत सारी पंक्तियां लिखकर ये दे रहा है कि हाँ कि ये पहचानिए किसकी है। बड़े आराम आराम से क्वेश्चन आ रहे, कितने मासूम से क्वेश्चन है ये, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान, मतलब ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन तब आते हैं जब बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, उनसे पूछे जाते हैं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। ये क्वेश्चन भी अगर ना हो पाए तो फिर बेकार है भैया, है ना। तो पद्म जो पुरस्कार होते हैं, भूषण पुरस्कार, वो पद्म भूषण सबसे छोटा होता है, मतलब पद्मश्री, उसमें पद्म भूषण उससे बड़ा है और पद्म विभूषण उससे बड़ा है, और ये इनमें है भारत रत्न, भारत रत्न। तो ये तीसरे नंबर पर आता है, इनका भी क्रम लगवा लेता है कई बार, ये दूसरे पर है और ये पहले पर है, तो इन चीजों पर ध्यान दे लिया करो, क्योंकि जब सॉल्व करवाते हैं तो इनके आसपास घूमता रहेगा पेपर आपका, इन्हीं के आसपास पेपर घूमता रहता है। अब एक क्वेश्चन जनगणना से तो पूछे ही जा रहे हैं, दशकीय जनगणना को कराने की जिम्मेदारी किसके, किस मंत्रालय के पास है? योजना मंत्रालय नहीं है, तो ये गृह मंत्रालय के पास है। सुबह की मीटिंग में पूछा गया था कि जनगणना कराने वाला जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे महापंजीयक अधिकारी कहते हैं, सबसे बड़े अधिकारी का नाम पूछा गया था। तो हो सकता है आपसे मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछ ले कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, जनगणना का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है, परिसीमन आयोग का उल्लेख कहां से है,
बहुत ज्यादा संविधान से भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बड़े सामान्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बड़े आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। कुछ क्वेश्चनों में इधर उधर गया है मैं मानता हूं, लेकिन इतना तो चलता है ना। गुड़ी पड़वा अगर नहीं पढ़ा होगा तो कई बार नहीं होता है। हाल तो गुड़ी पड़वा बड़ा फेमस है त्योहार, जो है ये महाराष्ट्र का है। हाल तो महाराष्ट्र के अलावा और भी क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र विशेषतः महाराष्ट्र। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर है, उसे कहते हैं 1930। तो आंसर आ जाएगा इसका सी, 39 का सी आंसर सही है। जय हिंद वंदे मातरम। देखिए बच्चे, मैरिड ना, देखिए सभी बहुत अच्छे तैयारी करके भी नहीं जाते हैं और बहुत खत्म तैयारी भी नहीं होती है। मेरा मानना यह है कि मैरिड कि अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं, एक सौ चार, 102 इसके आसपास मैरिट रहती है, बस 104, 102 इसके आसपास मैरिट रहेगी, ये मैरिट रहती है 104, 102 के आसपास, 104, 102 के आसपास। आप कितने करके आए हैं ये बताएं, तब ज्यादा अच्छे से पता लगेगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सुबह भी प्रश्न था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है, तो जी दिल्ली में स्थित है, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक प्रश्न और देखते हैं, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। यहां वस्त्र मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की, पाट मित्रो एप्लीकेशन। अब कायदे से अगर आप मेरी बात अगर एक बात जानते हो या सुनते हो कि मैं यदि किसी का जीएस अच्छा है तो वो करंट के क्वेश्चन को कई बार लिंक करते हुए समझते हुए ले जाता है, कर लेता है उसे आराम से। 104 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, बहुत अच्छे हैं, 104 पे बहुत अच्छा है। नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, नशा दौलत का नहीं कामयाबी का रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, जिद मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, फिर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे भी आज। देखते रहिए, देखिए पाट क्षेत्र से ही पता लगा लेना चाहिए, पश्चिम बंगाल झारखंड की बात चल रही है और वहां पर जो प्रोडक्शन है वो आपके जूट का, यानी पटसन या सन कह देते हैं, यहां सन होता है जिसकी बोरियां वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, सन। क्वेश्चन है थंगा, थंगा बेसिकली पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचलित है, हाल तो अरुणाचल प्रदेश में भी है, असम के क्षेत्र में भी, और कहीं कहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में आप उसे देखेंगे ना, तो सिल्लीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, दार्जिलिंग, इन क्षेत्रों में भी प्रचलित है, और अरुणाचल प्रदेश के जो डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी और सिक्किम के क्षेत्र में। तो यहाँ सिक्किम दे रखा है तो आंसर सिक्किम हो जाएगा।
हाल तो पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भी प्रसिद्ध है ये, और भूटान में भी प्रसिद्ध है। भूटान भूटान में भी कुछ लोग इस लोकप्रिय कला शैली को प्रयोग में लाते हैं, उसको कल्चर में अपनाते हैं। आगे चलते हैं। नर्मदा निम्न में से किसमें मिलती है? नर्मदा निम्न में से किसमें मिलती है? एक क्वेश्चन सुबह भी आया था नदी से, नर्मदा से फिर क्वेश्चन रिपीट है। और नर्मदा जो है हमारी, वो कहाँ से निकलती है पहले ये जानिए आप। जो नर्मदा है अमरकंटक की चोटी से निकलती है, हो सकता है सुबह की मीटिंग में आपसे पूछ ले। अमरकंटक 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 की चोटी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये याद रखेंगे आप। खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात। अब खंबात की खाड़ी जो है वो किसके अंतर्गत आती है? तो अरब सागर के, अरब सागर के अंतर्गत आती है। तो आंसर आ जाएगा आपका अरब सागर। दूसरा, हो सकता है सुबह आपके ताप्ती नदी पूछ ले आपसे, ताप्ती नदी से क्वेश्चन लग जाए। तो एक बार ये जो जहां से क्वेश्चन आए इनके आसपास घूमते रहना, देखते रहना। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं, और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। पीके सोनी, विकास सैनी, चलिए चरकुला नहीं है, कजरी नहीं है, ख्याल नहीं है, रसिया आंसर सही है, रसिया आंसर सही है, रसिया। प्रश्न देखेंगे। हाल ही में विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये यूरोप के एक देश फ्रांस में किया गया है, फ्रांस में किया गया है, फ्रांस में किया गया है यह अनावरण मूर्ति का। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों यानी बॉर्डर को डिजाइन किया और इससे कलाकृतियों या कई कलाकृतियों से सजाया? तो संविधान के जो पाठ या लेसन शुरू होते हैं, जो भाग शुरू होते हैं ना, तो उन भागों के शुरुआत में ऊपर पेंटिंग बनी हुई है और चारों तरफ बॉर्डर पर उस पर कलाकृति बनी हुई है, आउटलाइन बनी हुई है, और बीच में आर्टिकल लिखे हुए, अनुच्छेद लिखे हुए हैं। तो ये लिखने का काम तो करा है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने, लिखने का काम, लिखने का काम। अब लिखने को आपको सुलेख कह सकता है कि सुलेख किसने की, हो सकता है कल के पेपर में आपको दे दे कि सुलेख किसने की, लेकिन नंदलाल बोस जो हैं इन्होंने डिजाइन बनाया है, पेंटिंग बनाई है। जैसे उसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रतिमा मिलेगी, अशोक के साम्राज्य से, सूफी के साम्राज्य से या सूफियों से संबंधित प्रतिमा मिलती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास में एक है किताब, पेंटिंग लगी हुई है चारों तरफ संविधान, जब जो पुस्तक बनी हुई है उसके अंतर्गत बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये प्रतिमाएं हैं, आप देख सकते हैं कि जो गुरु नानक बने हुए हैं इधर, आप पुस्तक के अंतर्गत देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई देती है तो गुरु नानक है, और कलिंग नरेश खारवेल की एक प्रतिमा मिलेगी आपको, और अकबर और टोडरमल मिलेंगे संविधान के अंतर्गत आपको बने हुए। अकबर की प्रतिमा भी है, रानी, आधुनिक भारत में लक्ष्मीबाई वगैरह, गांधी जी, और सूफियों के दरबार के बारे में भी आपको वर्णन मिलता है इसमें। तो
ये सारी चीजें हैं, और ये पेंटिंग किसने करी थी? नंदलाल बोस ने की थी। तो दूसरा आंसर सही है इसका। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रभावती प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो प्रभावती जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, प्रभावती। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। आप देख लेना किस विकल्प में आपका है, पेपर मैच करना अपना। और एक क्वेश्चन और आया था सुबह की मीटिंग में, देखिए कहां से प्रश्न था, सुबह की मीटिंग में था, हरिसेण से। हरिसेण से प्रश्न था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति से प्रश्न आया था, प्रयाग प्रशस्ति से। और शाम की मीटिंग में आ गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्तों को एक बार देख लेना, कुछ विविध के क्वेश्चन देख लेना, पूछ ले कि गुप्त संवत किसने चलाया, गुप्त संवत किसने चलाया था, कब चलाया गया था, ऐसा प्रश्न बन सकता है। फिर प्रश्न है 2016 के विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी से के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? सुबह क्वेश्चन आया था कि जो विमुद्रीकरण है उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर था नोटबंदी। नोटबंदी। तो अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नोटबंदी, तो आप जानते हैं 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को आए थे और कहा था कि तुम्हारे दिल जो है उसके टुकड़े होने जा रहे हैं, कहने का मतलब नोट नहीं रहेंगे। तो आंसर आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं। प्रश्न है नीली क्रांति, नीली क्रांति। अब ये नीली 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 पानी होता है, नीली नीली मछली होती है, ऐसा याद रखते हैं हम तो, है ना। अंगूर जो है वो बेटी को देने हैं, तो बीटी कल्चर, अंगूर की खेती, बीटी कल्चर, है ना। तो मिर्च में जो मछली बनेंगी, तो मछलियों में मिर्च कैसी डालनी है, तो पिसी हुई डालनी है, तो पीसी कल्चर, इस तरह से याद रख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, एपी कल्चर, मधुमक्खी वाला। राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पानी नीला होता है, ऐसे याद रख लो, और मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, और सफेद क्रांति डेयरी उत्पादन से संबंधित है, हाल तो अंडे से भी होती है वो, और गोल क्रांति आलू से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, निम्न में से क्या कहलाती है? यानी कि प्राइवेटाइजेशन भी हो और गवर्नमेंट का दखल भी उसमें हो, तो दोनों मिक्स होती हैं, वो उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? तो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। इतना अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ जी? तो 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहां पर? पंजाब में। और ये जलियांवाला जो नरसंहार किया था वो किसने किया था? तो जनरल डायर, जनरल डायर ने किया था। और जनरल डायर को किसने मारा था? 1940 में उधम सिंह ने मारा था, जिसका वास्तविक नाम क्या था? राम मोहम्मद सिंह आजाद। उन्होंने अपना नाम रखा था ना, राम मोहम्मद सिंह आजाद, तो ये याद रखेंगे। अच्छा प्रश्न है।
अच्छा ये बताएं कि जलिया वाले बाग के अंतर्गत अगर आपको पता हो यहाँ के आसपास घूमता रहेगा क्वेश्चनों में आसपास आपके। देखो सब जगह से आसान आसान क्वेश्चन उठा रहा है वो, सब जगह से आसान आसान प्रश्न। मुगलों से उठाया, सुबह अगर देखा हो आपने तो एक मुगलों से प्रश्न आया था, अकबर अकबर की कब्र कब्र कहां पर है, यानी मकबरा कहां पर है। तो एक प्रश्न मुगलों से भी आ रहा, संविधान से भी उठाता है वो आसान सा प्रश्न, एक सबको देख रहा है छोटा छोटा सा दोरा दोरा सा। तो जलियांवाला बाग जो घटना थी ना वो इसलिए हुई थी क्योंकि मार्च में, 18 मार्च में एक एक्ट हुआ था पारित जिसका नाम है रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। और बिना वकील बिना दलील बिना अपील ऐसा कानून था, उसके तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया, जिसका नाम था सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल मलिक। उनकी रिहाई के लिए वो लोग मीटिंग कर रहे थे जलियांवाला बाग में, तो नाइटहुड की उपाधि टैगोर ने वापस कर दी। 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के ऊपर, गीतांजलि रचना है उनकी। यहां से क्वेश्चन लग सकते हैं कल के पेपर में आपके, याद रखेंगे। अब देखिए एक शब्द देखा, कामा गाता मारू हादसा। तो कामा गाता मारू कब का है, 1914 है। कामा गाता मारू क्या है, जापानी जहाज है। बंगाल का विभाजन कब हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। विकल्पों में दे रखा है, आसपास भटकता रहेगा उनके। 1914 का ये कामा गाता मारू प्रकरण है, किसका है, गुरु दत्त सिंह का, गुरु दत्त सिंह का है ये। कल प्रश्न आ सकते हैं पेपर में। और लाला लाजपत राय लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज हुई थी 31 तारीख में, अक्टूबर नवंबर, तो अक्टूबर अक्टूबर में। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय का देहांत हुआ, देहांत हो गया। और 17 दिसंबर को सैंडर्स के गोली मार दी, सैंडर्स के गोली मार दी। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। देखते हैं जैसे ऐसे प्रश्न भैया पीडीएफ बना के भेजी हैं आप लोगों ने, वैसे वैसे प्रश्न हम करा रहे हैं। कल भी जिसका पेपर हो पेपर के फोटो खींच के पीडीएफ बना के सेंड कर दें हमारे ग्रुप में या नंबर पर सेंड कर दें, क्योंकि जितना जल्दी आपका पेपर आ जाता है हम उस पर आराम से उसे देखकर तब आराम से रिसर्च करते हैं उस पर, और तब आपको पढ़ा देंगे कल का पेपर भी। देखिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉपीराइट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाएगा। हाल तो डायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, इनडायरेक्ट ले, इंडसइंड बैंक। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। आगे चलते हैं, प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। बहुत फेमस कंपनी है टाटा, टाटा वालों की गाड़ी आ रही है अब तो, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी दे रही है, तो जमशेद जी टाटा। अब एक चीज याद रखेंगे जी, जमशेद जी टाटा के नाम पर झारखंड में एक नगर भी बसा हुआ है जिसका नाम है जमशेदपुर, जमशेदपुर जमशेदपुर आपको स्वर्ण रेखा के समीप मिलेगा, स्वर्ण रेखा। और स्वर्ण रेखा नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, स्वर्ण रेखा नदी, जिसे रेड जोन के अंतर्गत रखा जाता है प्रदूषण के मामले में। और उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में आती है यमुना, यमुना। और सबसे ज्यादा प्रदूषण यमुना में कहां से कहां तक है, तो ऐसा प्रश्न पूछ ले तो दिल्ली से आगरा के मध्य, कानपुर मत लगा देना क्योंकि कानपुर से यमुना नहीं जाती है, ये याद रखें। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो डीजी लॉकर पहला ही इसका आंसर है, डीजी लॉकर। तो ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में प्रथम जो स्कूल खुला है वो सैनिक स्कूल एक प्रकार का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ में नहीं है, आगरा में नहीं है, ये मथुरा के अंतर्गत हुआ है। जो मथुरा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा यमुना नदी के किनारे है। यहाँ से डांस से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मथुरा क्षेत्र बड़ा चर्चित है। क्वेश्चन ये भी लगा था कि कृष्ण जन्मभूमि कहाँ स्थित है। सुबह की मीटिंग में क्वेश्चन आया था, कृष्ण जन्मभूमि कहाँ स्थित है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? अब इससे भी आसान प्रश्न क्या होगा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन नहीं जानता? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत कह देते हैं इन्हें, और इनके नाम से दिल्ली में एक अस्पताल भी है। जीवी पंत के नाम से पंत हॉस्पिटल, आपने नाम सुना होगा पंत, जीवी पंत जी। और जीवी पंत जी के ही नेतृत्व में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी, उन लड़कों के लिए, उनका केस लड़ने के लिए उनके पक्ष में जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष जीवी पंत ही थे। तो दूसरा सही है इसका विकल्प। प्रश्न है यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो यहां से आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपको क्वेश्चन में हिंट दे रखा होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न को अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें से एक आवाज आएगी कि मेरा आंसर ए है, मुझे ए लगा दो, मेरा आंसर सी है, यहां सी लगा दो। लेकिन वो सुनने के लिए आपको कान होने चाहिए, वो सुनने के लिए मन की आंखें होने चाहिए, प्रश्न के अंदर ही उसका उत्तर छुपा होता है। अगर किसी ने कान लगाकर सुना हो तो इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर अब नियुक्त करेगी? यहां तक प्रश्न है, अगर आप ब्रैकेट को पढ़ेंगे तो अलग से पढ़ें तो ज्यादा सही है। इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न है, तो आंसर आ जाएगा एक। एक प्रश्न है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है?
अब हम प्रयागराज प्रयागराज करते रहते हैं। आज ये 2024 का प्रश्न है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम प्रयागराज प्रयागराज करते रहते हैं, ये 2024 का प्रश्न है। लिखा है उसने इलाहाबाद, तो पेपर अपने हिसाब से आता है। हमारे बीच में जो भ्रांतियां फैली होती हैं कट्टरवाद की, वो अलग चीजें हैं। तो आंसर है इसका 160, पहले 155, 150 संख्या थी। न्यायाधीशों की संख्या पूछी थी इस प्रश्न में आपसे। देखो भैया जी, क्वेश्चन नंबर जो है, ये नंबर तो आपकी सीरीज में जो भी होगा वो देख लेना। एक प्रश्न आपने देखा होगा, देख ही लिया होगा आपने प्रश्न, कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है। बिल्कुल सही बात है, ये दक्षिण भारत है आपका, और दक्षिण भारत में कई सारी पहाड़ियां हैं। एक आपका ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट जो है वो सतत नहीं है, उसमें कई भागों में बटा हुआ है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है उसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी, अब नीलगिरी पहाड़ियां जो है उन्हें ब्लू माउंट भी कहा जाता है। अब नीलगिरी पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है जी, डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। फिर इससे नीचे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है अन्नाई मलाई या अन्ना मलई। अब मलई बेसिकली पहाड़ी को कहा जाता है, अन्ना मलई। अब अन्ना मलई की सबसे ऊंची चोटी है, अन्ना मल्लई की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी, 2695 के आसपास मीटर में इसकी हाइट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुड़ी या अन्नाई मुड़ी, जो कहां पर है, अन्ना मलाई श्रेणी पर, पहाड़ी पर। फिर नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो विकल्प में आंसर होना चाहिए अन्ना मलाई। अब अन्ना मलाई किसी विकल्प में आंसर नहीं है, ना चाहते हुए भी एक प्रश्न देखो कैसे गलत हो गया। अब मैं क्या ही कहूं, अब मैं क्या ही कहूं कि 37-38 प्रश्न रखने हैं, उनमें से भी एक प्रश्न ऐसा। अब पड़ोसी लगाएं तो लगाएं कहां तक इस प्रश्न को, या तो आपको सबको नंबर देगा इसके, या इस क्वेश्चन को बाहर निकालेगा। अब लगाने को आप पड़ोस का लगा दो नीलगिरी, वो कोई आंसर थोड़ा ही है ऐसे, तो उसके करीब फिर आपको वेली कोंडा भी मिल जाएगी वहीं पे, ये वेली कोंडा करवट में वहीं। अब तो बालाघाट श्रेणी थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी, और विंध्याचल वो मध्य प्रदेश वाली है। लगाने को लगा दो, उसमें कोई दिक्कत ना है। क्या करा जा सके अब, आना जाने कैसे 5 साल में तो एक पेपर लिया जैसे तैसे ले दिए के, तो उसमें भी क्वेश्चन, ये इतना फेमस क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन है, वो भी गलत डाल दिया, तो कहने सुनने वाला ना यार है। निम्नलिखित में से कौन सी एक, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है, अच्छा, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा
सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है। अब ये शब्द उर्दू का लिख रहा है, कहाँ तक बचोगे तुम उर्दू से? क्वेश्चन में सलामती लिखा है, उर्दू का शब्द है सर। शक्ति आंसर है, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। चलिए उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमाएं, चलो एक क्वेश्चन बॉर्डर से आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से नहीं छूती? ठीक है, तो बिहार से छूती है भैया पूरब में, तेलंगाना से नहीं छूती, बहुत दूर है भैया, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। लाइक कर दिया करो अगर थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो वीडियो। इन्हें क्वेश्चन ही ना मिलते डालने के लिए। अरे क्वेश्चन क्वेश्चन दो बढ़िया से, जोड़े मिलाओ, मिलान करो बढ़िया से, क्वेश्चन अच्छे से। चलिए ठीक है, जैसे भी है। अब कुछ हिंदी के प्रश्न हैं, अब हिंदी का भंडारा चलेगा थोड़ा सा, उसमें एक दो प्रश्न मिसिंग हैं जीएस के, तो जितने पीडीएफ में दे दिए एक लड़के ने भेजे थे आप में से, उतने हमने आपको करा दिए, बाकी देख लेना आप। अब ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, हिंदी का प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो एक बात तो ये सही है कि ये आपको पूरा एक शब्द ना देकर दो दो तीन तीन शब्द दे रहा है, तो कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है, लेकिन मंदाकिनी नहीं है भाई, मंदाकिनी नदी के लिए आता है। ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है, ललना किसका है? ललना है स्त्री के लिए और बच्चे के लिए भी आता है, कौमुदी चांदनी को कहते हैं, कौमुदी चांदनी के लिए आता है चांदनी, और ज्योत्सना भी चांदनी के लिए आता है, तो आंसर आ जाएगा सी। चंद्रिका चांदनी के लिए आता है, लेकिन चंद्रहास आता भाई तलवार के लिए, तलवार के लिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शुद्ध सुसंगत है? क्या शब्द, शब्द सुसंगत है किसके लिए? चलिए, जो पढ़ाने गया हो, जो पढ़ाने गया हो, अपठित, अपठनीय नहीं, अपठित शब्द आता है तो ये अपठनीय गलत है, जो पहले न हुआ हो होनहार, जो पहले न हुआ हो होनहार नहीं होता हो, होनहार तो कामयाब के लिए आता है शब्द, ये गलत है। आदि से अंत तक आद्योपांत, तो शब्द है आद्य और उपांत, उप और अंत से मिलकर बना है भाई, कौन सी है, गुण लग गई यहां पर, तो डी आंसर सही है इसका, एकदम तमंचे पे डिस्को पेपर आया है। कुछ ऐसी निगाह कर दे कि मैं तेरा हो जाऊं और तू मेरी हो जाए, वो मोहब्बत ही क्या जो पूरी हो जाए, हैं? देखा
एक पेपर देने में पूरे 1 साल का तजुर्बा मिला होगा, कैसे कैसे बच्चे आते हैं, कितनी कितनी दूर से, कितनी मेहनत से आते हैं, इतनी सेंध हमारी होती है, तजुर्बा किस किस का आज पहला पेपर हुआ होगा, उन्हें आज ये पता लग गई होगी कि जीवन किस तरह से आगे जिया जाएगा, कितना संघर्ष है। सही बात तो ये है कि इस कंपटीशन को, पेपर को देने के बाद में एक ऐसे मानो कि जैसे एक नया जीवन होता है सर, मेरे मानने के बाद तो, अगर मैं अपनी बात मानूं तो एक नया जीवन है। इतने तजुर्बे थोड़ी होते हैं, इतने तजुर्बे थोड़ी होते हैं, ऐसी तो बोर्ड की परीक्षा भी नहीं होती सर। इसने आज उसके जीवन का एग्जाम का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, सीखने को मिला होगा उसे बेस्ट एक्सपीरियंस, एक से एक पट्ट से पट्ट बालक भी मिला होगा, बिल्कुल खत्म, ठेठप क्या खत्म, और एक से एक टैलेंटेड बालक भी मिला होगा। बोले पेज नंबर ये, किताब नंबर ये, लाइन नंबर ये, सरवन हुआ नहीं है वहां पे सरवान देना, ऐसे भी पता होगा बच्चों को। देखिए मेरिट क्या लगेगी वो तो आयोग का काम है लगाना, हमारा काम था, हमने मेहनत करी, पेपर दिया, कितने नंबर आएंगे वो भी वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज बताऊं, जो आज पेपर दिया आया वो अब टांग फैला के सोने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तजुर्बा ये है जिंदगी का हमारी, और जो बच्चे पढ़े हैं, सेलेक्ट हुए हैं पढ़कर, उनके तजुर्बे की बात बता रहा हूं कि बहुत सारे लड़के थे, जैसे अपनी एक बात बताता हूँ छोटी सी, हमारे साथ में टीम में भी रहे हैं गौरव जी, गौरव रीमल जी, और मेरे छात्र भी रहे हैं, खैर धनौरा में वो पढ़े हैं, हमसे गजरौला भी पढ़े हैं वो, लेकिन बाद में फिर पठन पाठन का कार्य साथ करा। जब पहला पेपर निकल गया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए भी उसे देर नहीं लगती। तो अगर मेरिट में नंबर आ जाए ना, तो इसको पढ़ना है मत छोड़ना बेटे, तैयारी पूरी रखना, क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं कि रेस लगी, फाइनल मेरिट के इंतजार में काफी टाइम लग गया, इस बीच में पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर पढ़ाई से बहुत दूर हो गए। तो आप ऐसा ना करें, जब तक अंत तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, आप ट्रेनिंग तक ना पहुंच जाएं, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ना बेटे, ये बात मेरी बांध लेना। चाहे भले ही 1 घंटा पढ़ना, कोचिंग जाना मत जाना, ऑनलाइन लेक्चर सुनना किसी मास्टर के मत सुनना, लेकिन पढ़ना जरूर, 1 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी जरूर रखना, क्योंकि पेपर होते रहते हैं, पेपर होते रहेंगे, वैकेंसी आती रहती है, आगे भी आएंगी। ये सफलता नहीं है, अगर आप पास भी हो जाते हैं तो ये सफलता नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है, अभी प्रमोशन भी होना है सर। आप चाहते हो कि मैं कांस्टेबल की जॉब लेकर मैं दरोगा के लिए भी प्रमोशन करूं, तो आप यूपीएसआई का पेपर भी निकालना है, अभी पिस्टल लगानी है, वो आगे छज्जे वाली टोपी का मजा ही कुछ और है सर, है ना? तो वहां तक के लिए भी पढ़ना है, उस हिसाब से थोड़ा सा नींव को पानी देना, मजबूती देना, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रश्न है श्रुति सम, सुनने में एक जैसा, इस पे वर्क करा था हमने खूब, और आपने भी पढ़ा होगा, श्रुति सम सुनने में एक जैसा, भिन्नार्थक लेकिन अर्थ अलग अलग हो, तो शब्द युग्म निर्विवाद और सॉरी निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो भले ही निर्वाद का अर्थ बुराई या निंदा आपको ना पता हो, लेकिन अगर इसका भी अर्थ पता है ना, निर्विवाद, विवाद मतलब झगड़ा,
और निर मतलब बिना, उपसर्ग है निही, निर संधि है विसर्ग, तो आराम से डी आंसर इसके आधार पर लग जाएगा, अगर ये वाला नहीं भी आता होगा तो भी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, या मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, कुछ ने ये शब्द ये सही बताया है। अब सुन लेना, कुछ का बच्चों का आंसर ये है, मेरी तरफ, तुम मेरी तरफ चले आ रहे हो, क्योंकि तरफ मेरे नहीं होता, मेरे तरफ। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, अब मथुरा शहर दिखाया, अगर यहां शहर लिखा होता तो दिखाया ठीक होता, अब चूंकि अयोध्या, अयोध्या काशी और भी कुछ शहर हैं, जैसे मुंबई, तो मुंबई दिखाई है, मुंबई नगरी है, तो अयोध्या मथुरा नगरी है, तो यहां पर इस आधार पर अगर मैं मथुरा को नगरी मानूं तो दिखाई शब्द आना चाहिए, दिखाई, तो आंसर बी ठीक है। मैं दोनों चीजें आपके सामने रख रहा हूं, बाकी आयोग का काम है कि वो आंसर क्या मानेगा उसका। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, इस आधार पर यहां मेरे गलत लिखा है, तो ए भी आंसर सही है, और दोनों वाक्यों में जान है भाई, पूरी पूरी। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं जी एक ही विकल्प ठीक है, यही वाला, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। अब देखना यह है कि आयोग आंसर की क्या देता है, ना मैं विद्वान हूं ना विद्वान आप हो, हम दोनों से बड़ा विद्वान है उत्तर प्रदेश आयोग हमारा, वो अगर कहेगा कि साहब डी सही है तो डी सही है, बात खत्म, वो बाकी बात बाद में देखी जाएगी कोर्ट में। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, तो बनिया शब्द होता है, वणिक से आया, वणिक, वणिक शब्द से बना बनिया, और वणिका इसका स्त्रीलिंग हुआ, इस आधार पर यह तद्भव बनिया, और उसे बनैनी नहीं कहेंगे क्योंकि यहां खड़ी बोली में बनैनी कह देते हैं उसे, हमारे यहां बनिए की घरवाली बनैनी, लेकिन अगर हिंदी की बात करूं तो जैसे ठाकुर की वाइफ ठकुराइन, तो आइन लगा हुआ है, आइन इस प्रकार, तो यहां हो जाएगा बनी या इन इस तरह से। तो चूंकि ये गलत है, सांप सांपिन और चूहा चूहिया, तनुज तनुजा, तनुज और तनुजा इस प्रकार से, और ये आ क्या है, ये स्त्रीलिंग बोधक है। नेक्स्ट, वधू, वर ले लो वधू ले लो, दो रुपए किलो, तीन रुपए किलो, बीए पास, रंगोरा, तुमने देखा होगा ना पेपर में लड़के लड़कियां बिकते हैं रोज, तो वधू यानी बहु और वर यानी वही लड़का। तो जब मैं लिखूंगा नदी, नदियां बहुवचन, नदियां इस प्रकार, तो जब वधू पर बहुवचन लगाऊंगा तो ये ऊ का हिरस्वीकरण हो जाएगा, इसे कहते हैं हिरस्वीकरण होना। क्यों होता है ये हिरस्वीकरण, वचन लग के, यहां हो जाएगा वचन, वचन लिख दिया, वचन, वे चैन है वचन, और शब्द बनेगा वधू, ए बिंदी नहीं लगेगी, चंद्रबिंदी लगेगी, ये भी बात ध्यान रखने की है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, वधुए। ठीक है भाई,
और देखते रहो जरा, और जिसने शेयर नहीं करा वो एक बार शेयर कर दो। आराम से पढ़ने का कुछ लाभ मिला होगा पेपर में। मैं कहता था ना तुमसे, माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? मैं सोच रहा था रेखांकित नहीं है यहां पे, ये रेखांकित है बच्चे को। तो माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, तो माँ तो हो गया कर्ता, ठीक है। और क्या दी हैं साहब, क्या दी हैं? माँ हो गया कर्ता, क्या दी हैं? मिठाइयां, ठीक। तो कर्म और बच्चे को, तो यहां पर को ये संप्रदान आ जाएगा, ये कर्म नहीं आएगा संप्रदान, क्योंकि यहां को जो है वो के लिए का काम कर रहा है मेरे भाई, के लिए का। और ये मिठाई जो है ये है कर्म, कर्म तो जिस पर क्रिया की जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है, ग्रामर कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका संप्रदान। तो देखो के लिए नहीं है, को है यहां पर। ओके ओके लिख दो अगर समझ में आ रही हो तो। भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो अगर यहां वाले तरीके से आप देखोगे तो वानर यानी बंदर, ओस्ट ओट, ओट कहते हैं ओट, मृतिका मिट्टी, मिट्टी को कहते हैं मेरे भाई, उल्लू उल्लुक, उल्लुक कहा जाता है उल्लू को संस्कृत में। तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, उल्लू तद्भव है। तो आंसर आ जाएगा डी, उल्लू। ऐसे प्रश्न बनना है और आराम से हो जाते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाइयों और बहनों दोनों को साथ लेके चलना है हमें। निम्नलिखित में से मोदी जी ने कही हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम सीख नहीं है, सांवला नहीं है, श्याम होता है, श्रृंग होता है, श्रृंग तत्सम होता है, श्रृंग इस ये तद्भव है। और शुष्क सही है, सूखा इसका तद्भव हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा बी। अब इधर चल रहे हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह नहीं हुआ? अच्छा अभी देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समास विग्रह नहीं हुआ? तो देहे लता, देहे रूपी लता, देहे रूपी लता, या लता रूपी देहे, भाई ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये आंसर है इसका। वेद पुराण, वेद और पुराण, ये कौन सा समास है जी? तो आप कहेंगे इसे द्वंद्व, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, तत्पुरुष और नव निधि, नौ प्रकार की निधियां, संख्यावाची द्विगु, देहे रूपी लता। ये कौन सा है देहे लता में समास? कर्मधार्य, कर्मधार्य देहे रूपी लता। ओके तमंचे पे, जब कामयाब हो जाओ तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहना है, हवा में नहीं उड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी तुम बादशाह सलामत बन जाओ
और इंसान को इंसान ना कहो, आराम से रहना। करोड़पति जी बन, जब करोड़पति आप बन जाएंगे तो भी आराम से लोअर टी शर्ट में घूमना, हवाई चप्पलों में, सामान्य से तरीके से, साइकिल पर, वो भी बहुत बन के नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कितना भेद होता है? छह भेद होता है। तो कुछ नहीं है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, यह है, ये निश्चय है, यह है निश्चय है, कोई कौन निश्चय नहीं है। कवीश्वर, कवीश्वर एक से दो संधि दे रहा है, एक से दो संधि के प्रश्न आ रहे हैं। हाल तो ये संधि एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये नहीं आता तो ऐसे मानो शरीर में सब कुछ है लेकिन खून में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो व्यक्ति जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को चलाने का काम हीमोग्लोबिन करता है और ऑक्सीजन की सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। तो ऐसे मानो गाड़ी का कार्बोरेटर है ये, भले ही एक प्रश्न आए लेकिन इस चैप्टर पर बड़ा काम है। तो कवि प्लस ईश्वर छोटी आएगी, कवि पे ईश्वर पे बड़ी आएगी और सूत्र लग जाएगा ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। दीर्घ संधि का शब्द है, ये गलत हो जाएगा, ये यहां पर सही है भाग, ये वाला सही है, गलत है, ये गलत है दोनों, तो ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर आ जाएगा ए। क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग हुआ है? और एक सुबह भी प्रश्न आया था भैया जी इस वाले चिन्ह से, उद्धरण पूछा था, ये वाला उद्धरण से क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन चिन्ह से आ रहा है। हो सकता है अगली मीटिंगों में आपसे ये वाला प्रश्न पूछ ले कि एक्स और वाई के बीच में कौन सा चिन्ह आता है, इस प्रश्न का क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में दो फटाफट से। क्या कोई तारे गिन सकता है? तो जी ये वाला जो चिन्ह लगा है ये उद्धरण या अवतरण चिन्ह है। अब हो सकता है विकल्प में ये हो, तो ये विकल्प में है ही नहीं, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है यहां, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? पहले ये शब्द बना है ईमान और दार, ये शब्द है विशेषण, तो मैं ईमानदार हूं ये मेरा गुण है। हाल तो मैं ईमानदार नहीं हूं, मैं बहुत बेईमान आदमी हूं, तुम 10-20 लाख रुपए दो हम खा जाएंगे तुम्हारे रुपए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसका कर्म उसके साथ हो, कहीं गया ना हो। तो रमेश ने खरीदे, खरीदे क्या खरीदे, आंसर मिल जाए तो वो सकर्मक है। क्या खरीदे, खिलौने खरीदे, तो खिलौना क्या है साहब, कर्म। खरीदे क्या हुई, क्रिया, क्रिया। रमेश बाबूजी कौन हुए, कर्ता, और ये ने क्या है, कर्ता की विभक्ति। इस प्रकार ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो अयोध्या में जो है वो स्थान के लिए बता रहा है, वहां पर में भी अधिकरण बना हुआ है, यहां पर वह छत पर है, तो यहां छत अलग है, पर ये विभक्ति आ जाएगी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। हाथी सो रहा था, तो हाथी सो रहा था, तो यहां पर कर्ता है और क्रिया है, काम खत्म। और चलिए बताइए इस वाक्य में काल कौन सा होगा, हाथी सो रहा था में काल बताएंगे आप। नेक्स्ट देख रहे हैं,
भौतिकी, जो ये शब्द बनाए भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा है ना, तो तुमने तो इसका ऑपरेशन सा कर दिया होगा कुछ देर को। भूत प्लस एक प्लस ई, तो यहां पे प्लस लगा यहां माइनस लगा तो शब्द हुआ भौ ते ई के प्लस ई, तो शब्द हो गया भौ ती ई। अब चूंकि प्रत्यय पूछा है तो सबसे बाद वाला प्रत्यय है ई, और ई से पहले जो प्रत्यय आ जाएगा वो आ जाएगा एक, इस प्रकार से भौतिकी। वही चीजें चल रही हैं जिस प्रकार से हम तुम्हें लेके चल रहे हैं। निर प्लस अभी और मान, एक उपसर्ग ये है एक उपसर्ग ये है। संधि की बात करूं तो निहि प्लस अभिमान, अभिमान ये उपसर्ग हो गया शुरू वाला, उपसर्ग पूछा है तो आंसर आ जाएगा आपका डी, निर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। कान पर जू ने रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कान पर जू ने रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? कान पर जू नहीं रेंगती, पढ़ ले हराम खोर, पढ़ ले तेरे कान पे जू ना रेंगती है। रोटी तोड़ने का हो गया वस्तु, खावा लजावा अनाज बिगाड़ा, ऐसे कहते होंगे ना घर के, अब नहीं कहेंगे, अब तुम्हारी जॉब लग जाएगी। भूतकाल सही कह रहे हो पूजा सागर जी। कान पर जू न रेंगना, ठीक है, हिम्मत टूट जाना कहीं से कहीं तक नहीं जी, बहुत दुख। अब देखो दुख यहां गलत लिख रखा है, देखो उत्तर प्रदेश सरकार वालों तुम बर्तनी सुधार लो अपनी, कम से कम तुम तो सुधार ही लो, तुम्हारी भाषा उत्तर प्रदेश में हिंदी है, पहुंचाओ मेरी योगी जी तक बात। ये दुख ऐसे लिखा जाएगा, ये दुख ऐसे लिखा जाएगा। कुछ असर न होना, हम तो चिकने घड़े हैं कतई, बिल्कुल हम पर असर ना होता, ये वाला वो है। आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण, अभी पढ़ा था रात वाली स्लाइड में हमने विकर्षण। नेक्स्ट, सब ओर विपत्ति का होना। अच्छा, सब ओर विपत्ति का होना, एक आदमी तवंचा लेके आगे सारा, एक पीछे से तलवार लेके खड़ा है, एक इधर सारा बेलन लेके, एक उधर सारा चप्पल लेके, तो किधर भागोगे, किधर भागोगे, चप्पल वाले पे, बेलन वाले पे, तमंचे वाले पे? ऊंट के मुंह में जीरा, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई बहुत कम है, यह ये वाला रूल लगता है। आगे कुआं पीछे खाई, आगे भी मरना है पीछे ही मरना है, तो कुएं में कूद जाओ, क्योंकि हो सकता है कुएं में सरिये वरिये लगे हो नीचे, खाई में जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। शांत रस का स्थायी भाव, हाल तो नारद, नारद कह रहा हूं, नारद मुनि याद आ रहे हैं हमें, नारायण नारायण। एक रस होता है शांत रस, जिसे हम भरत मुनि कहते हैं, भाई हमारा तुम्हारा मेल नहीं खाने का, क्योंकि नाटक में ना बोलने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, ड्रामा करने वाला, गुस्सा दिखाने वाला चलेगा, अब चुप खड़े नौकर के कुछ 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 मसला है इससे, तो शांत रस जो है वो 9 रसों से बाहर है, मतलब सॉरी 8 रसों में नहीं आता है, 9 रसों के अंतर्गत आता है। क्रोध रौद्र में आता है, शोक नहीं है, और शांत का है निर्वेद,
बिना वेद के, जुगुप्सा। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। बताएंगे जरा, एक पंक्ति बोल रहे हैं हम कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लरी है मातु, विकसित भय चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। ये पंक्ति है और कौन सा रस है इसमें? चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब हरी मुख में लरिये मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। विकसित द्रग पुलकातु, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद होता है। स्वभावी पूछा गया था दोहा। अब एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लेना मेरी, वो क्या है कि दोहा आ गया, सोरठा आ गया, भाई साहब चौपाई रह गई, बरवे रह गया और रोला रह गया। हो सकता है कल की मीटिंग में ये बैठा हो। तो चौपाई जो है वो सममात्रिक है, सममात्रिक मात्रा होती है 16, बरवे अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, और अर्ध सममात्रिक के आधार पर वर्वे में 1, 2, 3, 4 पंक्ति होती है। पहले वाले में 12, दूसरे वाले में 7, तीसरे में 12, चौथे में 7। इसे भी एक बार देख लेना और इन्हें चारों को देख लेना एक बार। 12 × 2 = 24, 14 × 2 = 28, 7 × 2 = 14 और 24 जोड़ के आपस में ऐसे पूछा जा सकता है। रोला जो है सममात्रिक है, सममात्रिक छंद है, और रोले में 4 लाइनें होती हैं भैया जी, और एक लाइन में 24 मात्राएं हैं, तो टोटल मात्रा हो गई 96। तो ऐसे भी याद रख लेना स्पेशल कल के लिए, अगर ज़्यादा आगे तक ना गया तो, वरना तो भाई क्या कहा जा सकता है। ठीक है, मूड की कुछ नहीं पता। कभी घर वर वाली से लड़के आया हो पेपर बनाने वाला और कुछ ऐसी उल्टा सीधा लिख दे, तो आंसर आ जाएगा इसका शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है सोरठा। कारण क्योंकि दोहे में पहले में जो होती हैं वो 13 होती हैं, दूसरे में 11 होती हैं, तीसरे में 13 होती हैं और चौथे में 11 होती हैं। अब इसे पलट दो, सोरठे में 11, यहाँ 13, यहाँ 11 और यहाँ 13, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, के पानी अगर चला जाए तो मोती यानी चमक चली जाती है, मानुष यानी इज्जत चली जाती है, और चून यानी आटे में से अगर पानी निकाल दो तो चून बेकार रोड़ा फिरेगा भैया। तो ये भी बात याद रखेंगे आप। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। सलेश चिपका हुआ है, ठीक है, और सलेशिक शब्द कौन सा है? तो पानी जो है वो सलेशिक शब्द है, सलेशिक शब्द हो जाएगा ये पानी। हाल तो सलेश अलंकार के भी भेद होते हैं अंदर से कई, अनुप्रास के कई भेद होते हैं। अनुप्रास में एक अनुप्रास कौन सा होता है मेरे भाई, ये याद रख लेना, हो सकता है कल आपके पेपर में दे दे। एक अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति चलती है, एक में सिंगल चलेगा, एक्स एक्स का जोड़ा, वाई वाई का जोड़ा, जेड जेड का जोड़ा, छे का, एक में अंत में सेम होगा एक्स एक्स, एक पूरा सेंटेंस कॉपी रहेगा। तो 5 तरह के अनुप्रास होते हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, इस प्रकार से। यमक में जो एक शब्द होगा तो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ सकता है, और जितनी बार आएगा उसका अर्थ भी अलग अलग होगा, इस प्रकार से। जैसे
सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आ गए। तो यहाँ सारंग का अलग अलग अर्थ होता है। कनक कनक ते सोगुनी मादक ताधि का है, या खाए बोराए तो जगवा पाए बोराए। किसकी पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है, किस कवि की पंक्ति है पता करो। आगे चलते हैं। देखो वृत्तिया अलग है और वीप्सा अलग है, दोनों में अंतर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है, संबद्ध, संबंध नहीं संबद्ध नहीं है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है वो शब्द है। अच्छा विक्रम भाई, विक्रम सिंह राठौर मिर्जापुर वाले, अत्ता माजी सटकली। भेद रहस्य, भेद उजागर करना, प्रकार कितने भेद हैं संधि के, भेद दोनों में भिन्नता है, भेद है मूल्य अंसर। गाय मीठा दूध देती है और अंदर चीनी की बोरी रखी है, यह वाक्य किस प्रकार, यह वाक्य किस काल का है। तो गाय मीठा दूध देती है, एक सेकंड थोड़ा सा जरा ऊपर को उठा लें इसे। तो गाय मीठा दूध देती है, देती है ना, हाँ। तो प्रेजेंट में काम चल रहा, सामान्य भूत ये गलत हो जाएगा, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, ना 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 ना, ना। देती है ना, तो दे रही है तब होता तात्कालिक या पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान। भाई एक चीज है, हमने देख लिया, हमसे बहुत जल्दी भाग भाग के नहीं पढ़ाया जाता। देखो अपनी अपनी हैबिट होती है, कुछ अध्यापक इतने भाई कुशल हैं पढ़ाने में, एक एक घंटे में वो 200 प्रश्न करा देते हैं। अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, अभी हम कच्चे हैं पढ़ाने में, तो हमें झेल ले करो थोड़ी देर। विक्रम भाई यहीं जीना यहीं मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। भाई विक्रम भाई का स्वागत करे करो, सब नमस्ते क्या करो, वो तुम पागल हो नमस्ते को, सबसे बड़े है वो, तरीका है तुम्हारा नमस्ते करो। देखा सबने, अब देखो जरा ध्यान से, इसका आंसर हो जाएगा सामान्य वर्तमान। उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता। अच्छा उमा किसे कहा जाता है, माता पार्वती को कहते हैं उमा, पार्वती। उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से लगाया ना, तो से तो द्वारा के, और द्वारा और से लगता है ये कर्म में और भाव में, ठीक है जी। और वाच्य पूछा है तो कृत तो नहीं होगा, क्योंकि यहां से और द्वारा लगा दिया, और उमा जो है वो स्त्रीलिंग है, पढ़ा नहीं जाता। ये एक वचन है,
हाई क्वेश्चन है और नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा भाववाच्य, क्योंकि भाई साहब एक तो कर्म नहीं है, अकर्मक, एक वचन और पुरलिंग, ये तीन लक्षण होते हैं इसके भाववाच्य के। लक्षण तद्भव है, लक्षण तत्सम है। तो कहते हैं ना तेरे लक्षण बड़े खराब हैं, तो लक्षण मतलब लक्षण, लक्षण। भैया आज दुख हुआ, भाई क्या हो गया? विक्रम भाई बताओ तो सही, अब मतलब पूछ के ही बताओगे, पहले से बता देते, एक कमेंट फिर करोगे, क्यों दुख हुआ? तुम ही तो हो एक जो हमारी दिल की बात सुन लेते हो विक्रम भाई, तुम ही से तो हम मजाक करते हैं। सब तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, लड़के भी पसंद करते हैं आपको। नहीं विक्रम भाई बहुत बढ़िया है, टीचिंग में 100% सिलेक्शन होगा, हसमुख है सबसे बड़ी बात यह है, और बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं सीरियस कह रहा हूं। तो मेरी बात जो है मजाक में ले जाते हो, वो वाकई में सीरियस हूं। उधर हुई है क्या पल्ले मोहल्ले में? अच्छे गद्यांश है भाई, इसे देख लेना, आराम से पढ़ लेना, बहुत सिंपल गद्यांश आया है, बच्चे कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है, आराम से हो जाएगा ये। और अगर प्रश्न के आंसर नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत ना है, फिर तो एक ही रास्ता है, आराम से मोदी जी को फोन लगा ला और पूछना, बोले जी बताओ, ऐसे काम नहीं चलने का। तो यहां तक आंसर आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो भाई क्रम देख लेना एक बार, संस्कृत, संस्कृत से निकली पाला पाली, मतलब पाली, और फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद में आई अपभ्रंश, हाल तो बीच में और कई भेद बताते हैं विद्वान बताने वाले, फिर इधर को लगा लो तीर, अपभ्रंश के बाद में अभट, अब हट, अभट के बाद में प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी के बाद में आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी, ऐसे ऐसे है। अब अगर किसी ने ये ना पढ़ाओ कि प्राचीन हिंदी आधुनिक हिंदी, तो टेंशन मत लेना, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा और लेटेस्ट हो जाता, उसमें केवल बिंदी बिंदी का यूज होता, आधा ने आधा में अंगा नहीं बनते ये वाले, उसमें बन जाते थे प्राचीन हिंदी में। अभट जो है 110 वर्ष के आसपास रही है, ज्यादा रचनाएं इसमें नहीं है, लेकिन जयदेव की रचनाएं हैं अभट में, जिन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है, पदावली ग्रंथ जिनका है ना, तो उनकी अभट में रचनाएं मिलती हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका अभट में लिखी है, अपभ्रंश की रचना, मतलब अभट अपभ्रंश के अंतर्गत लिखी है वो, कुछ शब्द उसमें अभट के भी हैं जो अभट में प्रयोग हो रहे हैं आज भी। और पदावली मैथिली भाषा के अंतर्गत उसके बहुत सारे शब्द मिलेंगे, जयदेव मैथिली कोकिल। पेपर में का टाइम कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बुरा से बुरा क्या होगा, तजुर्बा तो मिला बहुत है, बहुत है सर। एक चीज आपने रियलाइज करी होगी, हम कई बार, हमारे साथ में अगर कुछ
ट्रेजेडी हो जाती है ना, तो बहुत बाद में आपको जाके पता लगता है, बोले ये जो हुआ ये भी ठीक हुआ, है ना। तो जो होगा ये विश्वास मान के चलें, प्रभु पे छोड़ दें। सफलता जीवन का एक हिस्सा है, जो आज हम यहां पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, जीवन का एक हिस्सा है। ये जीवन पूरा ही एक बड़ा खूबसूरत चीज है। एक जहां स्टेज पर हम पहुंच जाते हैं ना, जो लड़के अब जॉब कर रहे हैं उनके अब कुछ और अभिलाषाएं हैं। तो ना तो सावन हरे ना भादो सूखे, न्यूट्रल रहो बिल्कुल। यही तो है मध्यम मार्ग बुद्ध का, ना ज्यादा दुख में अपने आप को दुखी महसूस करना और ना ज्यादा खुश में खुश होना, न्यूट्रल रहना है। ठीक है, पेपर हो गया, आप करके आए, आपने अपना 100% दिया। मैं भी जब वीडियो यहां बनाता हूं, शूट करता हूं, मैं आपको बताऊं, तो मान लीजिए जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं करंट इश्यूज पे, कल एक किसान आंदोलन के ऊपर एक वीडियो बनाई, तो जब मैंने उस वीडियो को, अपनी वीडियो को मैंने खुद ने देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें ये वाली चीज और कहनी थी, ये वाली चीज और कहता मैं। तो ये किसी भी व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक गुण है कि जब वो उस काम को कर लेता है तो उसमें, उस काम को करने के बाद में उसे कमियां नजर आने लगती हैं, बोले यार ये चीज और होती। आज आप पेपर देख के ये महसूस करोगे, बोले यार ये वाले क्वेश्चन को ऐसे कर लेते यार, ऐसे कर लेते, है ना। तो वो सब चीज नॉर्मल है, अब आगे बढ़ो, अब पीछे छोड़ो, जीवन में आगे बढ़ो अब। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जितने भी नंबर आएंगे वो ईश्वर पे छोड़ो, कन्हैया पे छोड़ो, भोले बाबा जो भी आप भगवान मानते हैं, आगे चलो। जो करेगा ईश्वर अच्छा करेगा, कूल माइंड एकदम फ्री। और जो कल पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी यही है, कोई हवा नहीं है सर, ठीक है, सब हो जाएगा, कूल माइंड से पेपर देना, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर। अभी ऑनलाइन आए हैं तो मैं देख रहा था सुबह से, कि बड़ी आफत थी सबको पेपर सॉल्व कराने की, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर भी। तो मुझसे भी एक कुछ लड़कों ने और मेरे मित्र ने कहा था कि जल्दी जल्दी तुम भी पेपर सॉल्व करो। मैंने कहा कि आफत आ रही है, ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि मैं बहुत जल्दी पेपर सॉल्व करा दूंगा तो बहुत बच्चे लाइव आ जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा। आंसर की तो तब भी बच्चा आयोग की से ही मिलाएगा, बस एक सेटिस्फेक्शन होता है मन में। ये है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनसे पूछियो, तुम्हारे तो 105, 104, 110 इसके आसपास हो भी गए, उनसे पूछियो जिनके 30-30 हुए यार, है सब चीज है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी पूछ ले संस्कृत, पाली किससे जन्म ली, संस्कृत से, प्राकृत का जन्म यहां से आया, फिर इसका इससे जन्म हुआ, इसमें शब्द आते हैं, फिर इसका इससे जन्म हुआ। अब चूंकि हिंदी की जननी जो है वो अपभ्रंश है, कारण उसका, क्योंकि इसका कार्यकाल बड़ा कम है, तो आंसर आ जाता है अपभ्रंश। वह बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां आज एक कायदे का काम इनका लगा मुझे कि हाँ बिल्कुल इन्होंने सही लिखा, आधा ले नहीं बनता बिल्कुल में, बिल्कुल होता है। कभी कभी तो क्लर्क यहां का ठीक काम कर देता है, वैसे सरकारी क्लर्क जो है ये। इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, यह बिल्कुल थक गया है। तो यहां भी दो मत आ रहे हैं, किताबों में भी हमने देखा भाला, तो एक मत कह रहा है वो है परिमाणवाचक,
परिमाण मात्रा के बिल्कुल सही है, कुल मिलाकर सही है। लेकिन एक स्थिति जो है वो रीतिवाचक की भी है। इन प्रश्न, इस वाले प्रश्न में भी ऐसा है जैसा प्रश्न अभी पीछे आया था। मैं अपनी तरफ से दावा ना कर रहा, ना आप अपनी तरफ से दावा करो, पेपर बताएगा वो आयोग। अगर इनमें से कोई सा लगाया है तो भी 50-50 है, एक दो प्रश्न बढ़ने की गुंजाइश रहेंगी आगे आपके, और हो सकता है आप सही लगा के आए हो इसमें से। ये मुझे पक्की उम्मीद है आपकी कि आप सही लगा के आए हो। मैं आपकी सांत्वना देने के लिए ये नहीं कह रहा हूं कि आंसर इसका सी है या आंसर इसका डी है। मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदु मुलायम होता है, कोमल होता है। मृषण, मृषण बेसिकली चिकने को कहते हैं, बड़ा स्मूथ जो होता है ना उसे कहते हैं मृषण। लेकिन उस कैटेगरी में आ जाएगा वो, मृदु में चिकना है बड़ा, है ना। लेकिन कूल माने होता है किनारा, किनारे को कहते हैं कूल या तट, तट कहते हैं किनारे को। और कुल, कुल माने होता है परिवार। हो सकता है कल पेपर में फेंक दे वाली चीज, देखो। और ज्यादा देर तक मत जगना, अब सो जाना, क्लास खत्म होने वाली है, अब थोड़े से और प्रश्न रहे हैं इसमें वो देखना। और अगर नींद आ रही हो तो सो जाओ, मुझे चिंता नहीं है। जिसका कल पेपर हो, अगर नींद आ रही हो टाइम से सो, फ्रेश उठोगे सुबह को आराम से, आधे घंटे फालतू सोकर सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचना, खाना पीना आराम से, पढ़ने वढ़ने के चक्कर में पड़ रहना मत, कुछ नहीं होता है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा। इस जल्दबाजी के चक्कर में ना कि रात भी देर तक पढ़े और सुबह को भी देर तक पढ़े, भागा भागा सेंटर पहुंचे, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं सर, महसूस करा होगा जो पेपर दे के आए होंगे। 24 घंटे पहले से पेपर देना, हमारे तो गुरुजी ने कहा था हमसे 24 घंटे पहले से पढ़ना बंद कर देना बेटे, आराम से मूवी देखते थे या आराम से रिलैक्स करते, घूमते फिरते, कोई सीरियल सुनते, गाना सुनते। और पेपर पास हुए सर, पेपर पास करें, और उस बात से थोड़ी है कि हाँ ये चीजें कर रखी हैं, वो चीजें कर रखी हैं। मेरा उद्देश्य तुम्हें ये बताना थोड़ी है मैंने कौन से पेपर निकाल रखे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकता हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं पढ़ाने की, और भगवान की, अपने गुरु महाराज की कृपा ये है कि उनमें से कुछ बच्चे पास हो जाते हैं पढ़ाए हुए। समश्रुति भिन्नार्थक युगम, समश्रुति भिन्नार्थक युगम, दिन दीन। आल तो साहब दिन का माने, और दीन का माने धर्म भी होता है, और दीन का मतलब गरीब भी है, गरीब गाइन है, गाइन गरीब। दिन दिवस, तो दिवस यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां पलट दिया है देखो। लेकिन यहां गरीब गरीब नहीं होता, गरीब होता है गरीबों, बिंदी लगाना सीख जाओ। दिवस आगे चलो, आंसर आ जाएगा इसका ये। शब्द है आंखों के सामने। वाक्यांशों के निम्नलिखित में से, वाक्यांशों के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने प्रत्यक्ष, क्यों? प्रतिधनक्षी, अक्षी माने आंख, अक्षी के सामने। परोक्ष, इसका विलोम है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? यण। पंचवटी, निम्न में से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की नहीं है,
पंत, सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है, नहीं है ये तो मतलब ही नहीं, गुप्त की है ये रचना पंचवटी। नीरजा, नीरजा मूवी भी आई थी एक अभी, नीरजा उसमें कौन हीरोइन नहीं थी, एक हीरोइन रही थी उसमें नीरजा मूवी में, बड़ी सुंदर सी थी, मतलब ठीक थी, सुंदर उंदर थी, खैर ज्यादा नहीं। कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा तो महादेवी वर्मा की, आधुनिक भारत की मीरा कहलाती है भाई ये, आधुनिक भारत की मीरा, आधुनिक भारत की मीरा, और द्विवेदी युग के आसपास आपको ये मिलेंगी, द्विवेदी छायावाद के आसपास मिल जाएंगी, द्विवेदी के आसपास, द्विवेदी छायावाद। बस क्लियर हो गए? हाँ जी क्लियर हो गए। ओके और कुछ गपशप, कुछ कल के लिए? तो शायद कल के लिए हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि तो पढ़ाई तो मेरा सिद्धांत जो है वो ये है कि पढ़ाई जो है पेपर से पहले ही होती है, कोई 2 दिन में तो उन्हें पढ़ा नहीं जाता। और सुनाओ, तो शेर भी याद नहीं आ रहा। हम जब भी देखते थे उसे ही देखते थे, बस इतना देखते थे कि सबसे जुदा देखते थे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद जरूर लिख देना और आराम से सो, और कल के लिए जिनका कल पेपर है, बहुत पेपर अच्छा जाए आपका, ईश्वर आप पर कृपा रखें, आपके माता पिता की आप पर कृपा हो, और हंसी खुशी पेपर देने जाएं। किसी बालक को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी भी तरह की आवश्यकता होती है, पेपर देने में कोई दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो निसंकोच संपर्क करें, उसकी समस्या दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे भी हैं, टूटे फूटे आपके साथ हैं, क्योंकि लोगों ने मेरा साथ दिया, जैसा भी मैं साथ देने लायक हूँ आपके साथ हूँ। किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है, कोई डाउट अगर आपका आता है तो कॉल करिए और मैसेज भी करिए, और कोशिश करना मैसेज कर देना, क्योंकि पढ़ते रहते हैं तो डिस्टरबेंस होता है, और अगर कॉल करनी है तो कॉल भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।